दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। दोस्तों आज मैं बता दूं कि जो मेरे भाई आईफोन के दीवाने हैं, जिसको आईफोन काफ़ी पसंद है, जो सिर्फ आईफोन ही चलाना चाहते हैं, उनके लिए एक खुशखबरी आई है, जो कि है चेन्नई के प्लांट में एप्पल कंपनी ने अपने आईफोन 11 के जो फ्लैगशिप फ़ोन है इस टाइम रिसेंटली वो बनाने शुरू कर दिए हैं, जिससे कि आपको कई तरह के फ़ायदे होंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और मैं आपको बता दूं इससे आपको क्या फ़ायदा होगा। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि एप्पल कंपनी ने अपना आईफोन 11 जो कि फ्लैगशिप फ़ोन है, ये पहली बार है जो अपना फ्लैगशिप फ़ोन भारत में बनाना शुरू करा है चेन्नई के प्लांट में। लेकिन ये पहली बार नहीं है कि किसी एप्पल के फ़ोन भारत में कभी मैन्युफैक्चर हुआ ही नहीं। एप्पल का जो 10R था वो पहले भी भारत के अंदर इसी चेन्नई के प्लांट में असेंबल हो चुका है, लेकिन अपने फ्लैगशिप फ़ोन जो कि अभी रिसेंट कुछ टाइम पहले ही लॉन्च हुआ था, जो इस टाइम फ्लैगशिप है एप्पल का, वो बन इस टाइम मतलब भारत में मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, ये पहली बार हो रहा है। मतलब पहले भी हो रखे हैं, लेकिन नीचे जैसे कि पहले आया था 5SE आईफोन का, वो भी भारत में मैन्युफैक्चर हो चुके हैं, और 10R वो भी हो चुके हैं। लेकिन फ्लैगशिप फ़ोनों की लाइन में देखें तो आईफोन 11 जो कि इस टाइम फ्लैगशिप है, वो भारत में पहली बार है जो भारत में मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है। दोस्तों इससे फ़ायदा ये होगा कि आईफोन सस्ते होने की उम्मीद हो जाएगी, जिससे हमारे जिन भाई लोगों को आईफोन लवर हैं जो, वो आईफोन खरीद सकते हैं। क्योंकि जब आईफोन भारत में बनेगा तो इम्पोर्ट टैक्स जो लगता है वो एप्पल कंपनी अपने फ़ोनों पर बचा लेगी। तो शायद कंफर्म नहीं है, शायद वो अपने रेट थोड़े कम कर दे, जिससे कि ज़्यादातर बंदे आईफोन को ले सकें। जैसे कि जब वो भारत में मैन्युफैक्चरिंग होंगे तो 22% इम्पोर्ट का टैक्स वो बचा सकेगी, जिससे कि वो भारत में थोड़ा सस्ता फ़ोन बेच सकेगी। लेकिन इसकी कोई वो गारंटी नहीं, क्योंकि पिछली बार जब 10R की भारत में इन मैन्युफैक्चरिंग हुआ था, तब भी उन्होंने भारत में मैन्युफैक्चरिंग करा था, लेकिन उस टाइम भी प्राइस कोई कट नहीं किए गए थे। मतलब इसलिए कोई गारंटी नहीं है, लेकिन हो सकते हैं, उम्मीद हम रख सकते हैं। अगर बाई चांस रेट थोड़े कट होते हैं तो ऑब्वियसली बात है कि हर कोई एप्पल के दीवाना है तो आईफोन वो खरीद सकता है, जो कि फ्लैगशिप फ़ोन अब हो रहे हैं। तो वो भी कम से कम 22% अपने इम्पोर्ट टैक्स उसका घटेगा, तो 10% तो आईफोन पर रेट गिरा ही सकता है। लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है, पक्के तौर पे तो ये न्यूज़ है नहीं, लेकिन आने वाले टाइम में अगर ऐसा कोई न्यूज़ आती है या कुछ भी अपडेट आता है तो मैं आपको दे दूंगा। पर देख सकते हैं ट्वीट कर रखा है, जो कि मैं आपको अपनी स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, आप देखें उस पर लिखा है मेक इन इंडिया के लिए महत्वपूर्ण बूस्ट है, एप्पल ने भारत में आईफोन 11 बनाना शुरू कर दिया है, पहली बार एप्पल ने भारत में टॉप ऑफ द लाइन मॉडल पर बना रही है। मतलब आप देख सकते हैं मिनिस्टर लोगों की तरफ से भी ऐसे ट्विटर है, तो आने वाले टाइम में और भी मैन्युफैक्चरिंग भारत में हो सकती है, जिससे कि फ़ोन अलग अलग फ़ोनों के प्राइस कट हो सकते हैं और आने वाले टाइम में हमें अच्छे अच्छे फ़ोन कम प्राइस पे मिल सकते हैं। तो दोस्तों आज की जानकारी इतनी ही थी, अगर आपको और जानकारी चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और अगर थोड़ी सी भी अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करके मेरे को बताएं वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं दोस्तों कल एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।